हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आकृति है, ये इसका एक चबूतरा है जिसका ऊपर की आकृति यानी पृष्ठ का जो आकृति बनी हुई है अष्टभुज के आकार की, इसमें कुछ माप भी दिया हुआ है और इसी का क्षेत्रफल, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो चलिए पहले इस आकृति को बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ये एक अष्टभुज के आकार की आकृति है, जिसमें से अब देखेंगे यहाँ पे तो दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं और एक आयत बन रहा है। अगर हम इसको ऐसे बांट देते हैं तो एक और दो, यानी ये दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं यहाँ पे, और तीसरी आकृति जो बन रही है वो आयत बन रही है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसको एक और इसको दो। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज एक का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला इसका होता है, यानी एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसमें एक बटे दो तो हम लिख लेते हैं एक बटे दो। अब समांतर भुजाओं का योग देखेंगे तो समांतर भुजाओं में से जो पहली वाली एक ये भुजा है और दूसरी वाली ये भुजा है, तो इसका तो पहले ही पता है हमको 11 मीटर है, तो 11 मीटर रख देंगे प्लस। अब ऊपर वाले का देखेंगे तो ऊपर वाला देखिए तो यहाँ पे सारी भुजाएं जो हैं, जो अष्टभुज बना हुआ है उसकी सारी भुजाएं 5-5 मीटर की हैं, तो ये भी 5 की हो जाएगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी सारी भुजाएं 5-5 मीटर की हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और ऊंचाई दिया हुआ है ये, यानी ये वाली जो दूरी है यही ऊंचाई होगी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है 4। तो ये हो गया पूरा पूरा। अब एक बटे दो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 11 में 5 जोड़े तो ये हो जाएगा 11 5 16 गुणे 4, दो में से कट जाएगा, दो एक कम दो तो दूनी 4, यानी 16 और गुणे दो बचा हुआ तो 32 मीटर स्क्वायर इस वाली आकृति का यानी पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके आगे हमको निकालना है, तो जो पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल आएगा वही सेम दूसरी आकृति का भी क्षेत्रफल आएगा, यानी इस वाली आकृति जो है इसका भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा। तो आकृति दो, यानी आकृति दो का मतलब ये है कि समलंब चतुर्भुज दो, यानी समलंब चतुर्भुज फर्स्ट हो गया, समलंब चतुर्भुज दो का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 32 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि सेम आकृति बनी हुई जो ये वाली आकृति है जितनी ही उतनी ही आकृति ये वाली बनी हुई है, तो ये भी हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद है इस वाले चतुर्भुज का यानी आयत का, जो ये आयत बना हुआ है बीच वाला जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज तीन, तो चतुर्भुज तीन का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वैसे ही सारी चीज़ें रहेंगी, आयत का क्षेत्रफल चूंकि आयत बना हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई जो दिया हुआ है तो देखेंगे तो ये वाला लंबाई हो जाएगा, तो 11 मीटर लंबाई हो गई है और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर हो जाएगी चौड़ाई, इसका दोनों गुणा करेंगे तो 11 55 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो अतः संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे, आकृति एक प्लस आकृति दो प्लस आकृति तीन, तीनों चतुर्भुज हैं, जो तीन चतुर्भुज यहाँ पे बन रहे हैं, पहला चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा चतुर्भुज, तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तीनों का क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाल लिया है, तो एक का 32 है, दूसरे का भी 32 है और एक का 55 है, तो जोड़ेंगे तो 32 प्लस 32 प्लस 55। अब इनको तीनों को जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 7 2 9 और ये 5 3 8 8 3 11 यानी 119 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरा पूरा क्षेत्रफल यानी अष्टभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को
करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।